हाय एवरीवन, सोल्स टैरो पर आई वेलकम यू ऑल। तो अभी हम करने वाले हैं हमारी जेमिनीज की रीडिंग, जेमिनाइज मेरी मिथुन राशि। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है आने वाले दिनों में, मंथ में। जब भी आप ये रीडिंग देखें जिसमें रेजोनेट विद यू, टाइटल अट्रैक्ट करे, सो देयर समथिंग इन दिस रीडिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, ऑल जॉइनर्स आई लव यू, यू नो दैट। न्यू जॉइनर्स आपका बहुत बहुत आभार। और अभी हम मोनोलॉजी से हमारी मिथुन राशि के लिए देखेंगे क्या आने वाला है। ग्रह गोचर गणना के बारे में बात करती हूँ, लेकिन कम टैरो के बेस पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज बहुत से लोगों को वो समझ नहीं आता, राइट? सो चलिए, रीडिंग अच्छी लगे तो शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, और जो लोग देख रहे हैं आई थिंक उनको भी बेनिफिट हो सकता है ना। सो चलिए देखते हैं कि इन्फ्लुएंस क्या है टैरो का और हमें क्या देखना है। लेट्स सी। ओके, सो आई वाज सरप्राइज्ड टुडे। देखते हैं कि वेदर स्पिरिट गाइड्स चाहती हैं कि हम उसको रिवील करें कि नहीं, बट लेट्स सी। मिथुन राशि के लिए मोनोलॉजी कार्ड क्या है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, इट इज इन एक्वेरियन एनर्जी, न्यू मून इन एक्वेरियस, सो इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। और साथ में है गिब्स मून, सो आप बहुत क्लोज हैं कुछ अचीव करने के लिए, और जो आप सोच रहे हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं, आप उसको डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी चीज़ हाफ वे डाउन अच्छी नहीं लगती। जेमिनाइज, यू गाइज वॉन्ट एवरी थिंग टू गो वेल प्रीसाइज, और आप चाहते हैं कि वो 100% हो जो भी आप कर रहे हैं, राइट? सो चलिए आपकी कोर एनर्जी हम निकालेंगे। अभी से हमें एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स दिखता है, क्वीन ऑफ कप्स दिखता है, ओ माय गॉड, देयर सो मच। चलिए देखते हैं एक्चुअली में क्या आने वाला है, ठीक है? सो मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरे साथ हैं, वी नीड टू सी व्हाट आर द मैसेजेस दैट आर कमिंग इन फॉर यू। एंड यस, ये डेक अपसाइड डाउन है, उसकी वजह है कि कार्ड जब ले करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपरली नज़र आते हैं, ठीक है? सो चलिए, और मैं इसीलिए सामने शफल करती हूँ कि इसमें कोई अनबायस चीज़ नहीं होती, राइट? जेमिनाइज की कोर एनर्जी दिखाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बायो में है, देख लीजिएगा जेमिनाइज के लिए क्या मैसेजेस हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन छूट रहा है, कौन पीछे रह गया। जेमिनाइज, ये आपके लिए मैसेज है, आप वो करिए जो आपको अच्छा लग रहा है, जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट, समझे? सो हम आपकी कोर एनर्जी निकालेंगे, ऑब्स्टिकल निकालेंगे, मार्चेटी से आउटकम निकालेंगे, एडवाइस निकालेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। अरे ऐसा क्या है जो इतना कॉम्प्लेक्स है करंटली? आई थिंक कुछ आप काफ़ी लोग, आप लोग जो है ना, ये क्रॉस वॉचर्स, आप अपना इनर कंपास यूज़ कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपने ही मैजिक पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड वी हैव द कार्ड कॉल्ड मैजिशियन, ये आपकी कोर एनर्जी है, ठीक है? दिस इज परफेक्ट, दिस सिंक्स वेल, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन आपको उसको देखना है। इट्स मे बी इट्स टू डू विद योर इंट्यूशन, इट्स टू डू विद योर माइंड सेट, इट्स टू डू विद योर हाउ यू नीड टू ट्रेन इट। बहुत सी चीज़ें हमें लगता है अरे यार पॉसिबल नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो। ये जो माइंड गेम चलता है ना, इसको बंद करना है, बिकॉज ये बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए आगे जो नज़र आ रहा है। आपके पास वो सारी ऊर्जा है, सारी पावर है, जिससे आप कुछ भी अटेन कर सकते हैं। थ्री ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सो काम करिए। मे बी ऑब्स्टिकल है कि व्यापार में, करियर को लेके, आपके रिलेशनशिप, जैसे भी रेजोनेट करे, सो आपकी कोलैबोरेशन, टीम वर्क, एफर्ट, सपोर्ट जो है, आपको लगता है कि आप ज़्यादा करते हैं, सामने वाला या द पर्सन उतना नहीं करता। आउटकम, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप ये देखिए, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है कि यू स्टैंड योर ग्राउंड, जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, ट्रस्ट करिए अपनी पावर पर, ठीक है? बिकॉज लोग आपको नीचे खींचेंगे, जब आप कोई भी ऊपर चढ़ता है, कोई इंसान पॉपुलर होता है या कुछ भी गेन करता है, बेहतर होता है, जैसे हम कोई नई गाड़ी लेकर आते हैं फॉर एग्जांपल घर पे, या कोई भी नई चीज़ लेकर आते हैं, तो आसपास लोगों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, या इवन फैमिली मेम्बर्स में थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है, अरे व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या लिया। सिमिलरली आप वो क्यूरियोसिटी बनने दीजिए, क्योंकि वो
और किसी को हैप्पीनेस देना दे, आपको तो दे रही है, तो आप अपना ग्राउंड स्टैंड करिए, जो कर रहे हैं उसको करेक्टिव प्लेस से करिए, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे पास आया है, विच मीन्स कि द स्पिरिट हैज़ योर बैक, और ये बिगर पिक्चर है, बिगर प्लान ऑफ एक्शन में ये चीज़ें आपके लिए होंगी, और आप नहीं जानते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हैं फ्रॉम स्पिरिट। ये एम्प्रेस कार्ड है, बाकी मुझे लगता है इसको अभी क्लैरिफाई करेंगे तो हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इसको किससे क्लैरिफाई करना है, आई एम ट्राइंग टू फिगर दैट आउट। मैंने कहा चलिए राइडर वेट से करते हैं, हम मैजिशियन को क्लैरिफाई करेंगे पहले। और जैसे यहाँ पर जो कोर एनर्जी आपका मोनोलॉजी से निकला रीडिंग का, वो था ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एक्वेरियस मून है, वी आर अप्रोचिंग दैट। और प्रीवियस फुल मून जो आपने लेट गो किया है और अब जो मैनिफेस्ट किया है, दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रेस। ठीक है, एक्वेरियस इज़ अबाउट प्रोग्रेस। एक्वेरियस टॉक्स अबाउट यू नो न्यू थिंग्स इन लाइफ, है ना, मॉडर्निटी को अपने साथ इन सिंक लेना, समय के साथ चलना इज़ वॉट एक्वेरियस टॉक्स अबाउट। एंड जैसे मैंने शुरू की रीडिंग में कहा कि कौन रह गया है पीछे, कौन छूट गया है, वो नहीं देखना है, नो लुकिंग बैक, बिकॉज दैट इज़ द होल आइडिया। आप पीछे देख कर, पीछे मुड़ कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, सो मैजिशियन को हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ सोल्स, लिब्रन एनर्जी, हो सकता है आप किसी से डील कर रहे हों, बट लेट मी टेक आउट टू मौका, दो और निकालेंगे जेमिनाइज। देखिए ओवरऑल जो मुझे समझ आता है ये है कि आपको यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कोई भी सिचुएशन का सोल्यूशन निकालना है करियर में, रिलेशनशिप्स में, तो थोड़ा हटकर सोचिए, थोड़ा डिफरेंटली सोचिए, और प्रेम भाव से सोचिए तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी, उनकी एनर्जी बेटर हो जाएगी। और ये जो फाइव स्वॉर्ड्स है वो यही है, एटलीस्ट यहाँ पर, कि जब आप सच बोलते हैं, ट्रूथ बोलते हैं, तो आपको ज़्यादा झगड़ा और ज़्यादा वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप समझ रहे हैं। और रिवर्स में वैसे वो गिरा है, मैं रिवर्सल लेती नहीं हूँ, दैट मीन्स कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है, समय बदल रहा है, आप उसको स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, एंड थिंग्स विल बी बेटर। ओके, सो दिस इज़ द मैजिशियन क्लैरिफाइड। आपका चैलेंज जो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स ही क्यों है, इसको हम देखते हैं। कोई भी चीज़ देखिए हमको करनी है, उसको बेहतर करना है, उसको बेटर करना है, तो वो करने के लिए हमें अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर तो आना पड़ेगा, राइट। सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कहता है एग्जैक्टली कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। हार्डवर्क जो है अगर बढ़ाना पड़ता है, उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, तो बढ़ा दीजिए, बिकॉज वो जब आप करेंगे, लीप ऑफ फेथ लेंगे, एक्वेरियस एनर्जी है ये आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगी। और मैंने कहा एक्वेरियस इज़ अबाउट प्रोग्रेस, एक्वेरियस इज़ अबाउट ग्रोथ, एंड कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैच करके रखिए सिचुएशन से, बिकॉज यहाँ पे यू नो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचकर अपने आप को परेशान करना, इट इज़ अबाउट ऑल्सो थिंकिंग कि आपके लिए आगे जाके जर्नी में क्या बेटर है, यू नो करियर वाइज, या जो भी आप जॉब कर रहे हैं, या कुछ भी स्टूडेंट्स हैं अगर फॉर दैट मैटर, आप प्रोज एंड कॉन्स वे करिए कि क्या ये मेरे लिए वर्कआउट कर रहा है, इज इट रियली वर्किंग आउट, राइट। टू ऑफ कप्स, लव, ये डेफिनेटली बहुत से लोगों के लिए प्रेम संबंधित है। यहाँ पर कुछ ऐसा है, एक रिलेशनशिप रही है जिसके अंदर यू नो आपने हमेशा ट्राई किया है, लेकिन आपको ये लगा है कि यू हैवन बीन ग्रेटिफाइड, आपको उस तरीके से उन्होंने नहीं ट्रीट किया है, बट वो बोल रहे हैं थोड़ा सा ना लव इन सिचुएशन लेकर आइए, थोड़ा सा अपना माइंड शिफ्ट करिए, प्रैग्मेटिकली सोचिए और समझिए कि किस तरीके से आपको उनको समझाना है। लविंग रहिए और बहुत प्रैग्मेटिक मत हो जाइए, समझ रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा लॉजिक 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 नहीं करिए, समझिए कि क्या कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं। फाइव स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, कोको स्टॉप। सो आई हैव अ लिटिल समवन हियर हु इज़ ट्राइंग टू कम इन टू द विंडो, और मैं उनको नहीं दिखा रही हूँ, बट चलिए फाइव स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। जेमिनाइज के लिए फाइव स्वॉर्ड्स को, टेन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल जो आप कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए अपना सम बनाए रखें। सैजिटेरियस एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, डेफिनेटली आप डील कर रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास एयर साइन भी हैं, राइट। सो लेट्स सी, जेमिनाइज एस ऑफ स्वॉर्ड्स दो बार है, मतलब माइकल हैज योर बैक, स्पिरिट हैज योर बैक,
दे आर सेइंग वी आर सेंडिंग यू एवरीथिंग दैट यू नीड, जो आपको चाहिए ना वो हम आपको प्रदान कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप स्पिरिट के मैसेजेस समझिए, आप समझिए कि स्पिरिट आपको क्या भेजना चाह रही है। वो जो साइंस और सिंग्स दे रही है शायद आप समझ नहीं रहे हैं अभी क्लियरली, मे बी आने वाले दिनों में आपको समझ आ जाएगी कि कन्वेंशनली मत सोचिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हट के सोचिए, ज़रा हट के ज़रा बच के वैसे सोचिए, सो दैट यू कैन मेक दोज चेंजेस। ठीक है, केस ऑफ सोच को क्लैरिफाई करिए जो एडवाइस है। सो आई हैव द मून, ठीक है, विच इज स्कॉर्पियो पाइसियन कैंसर एनर्जी, द एम्परर। जो भी देखिए जिस पर्सन के बारे में हम सोच के रीडिंग देख रहे हैं या अगर कोई कोलाबरेटिव काम के संदर्भ में हम देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, कंट्रोल इशू क्यों है, लेट इट गो। आप उसको सोच कर अपना माइंड अपसेट मत करिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट नीडेड। आप समझ रहे हैं, वो रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वी हैव द सन एंड द मून बोथ, पावर अल्टीमेटली आपके पास रहने वाली है। डोंट इग्नोर दिस रीडिंग जेमिनी, टेक दिस रीडिंग वेरी सीरियसली, बिकॉज अगर आप वो पार्ट्स अपने लाइफ के हील कर लेंगे जो रिक्वायर्ड हैं, तो आप, मैं कहती हूँ जो मीडियोकर तरीके से आप काम करते आ रहे हैं ना, आप उसको ड्रॉप करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत उत्तम हो जाएंगी। अगर मैं इस कार्ड को देखूँ और मैं इससे आपको इस रीडिंग का संक्षेप बताऊँ, तो बेसिकली ये है कि बहुत अच्छा चेंज आपकी तरफ आ रहा है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि यू नो व्यूज़ आ जाएंगे इन ऑल दैट, जेन्युइनली जो स्प्रेड बोल रहा है आपके सामने मैंने निकाला है वो यही दिखा रहा है, एंड वो इस तरीके से आएगा जैसे आपका माइंड शिफ्ट होगा। ठीक है, वेदर यू वॉन्टेड और नॉट वो अलग बात है, लेकिन वो आ रहा है। ठीक है, आप अपनी वाणी पर, अपने थ्रोट चक्र पर काम करिए, क्योंकि कुछ ऐसा मत कहिएगा जिससे आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए। ठीक है, लविंग रहिए, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा लॉजिक के साथ हर चीज़ को ना समझिए, लॉजिक यूज़ करिए लेकिन उसको बैलेंस में यूज़ करिए। ठीक है, जो डीड्स आप कर रहे हैं, जो एक्शंस आप कर रहे हैं, जो आपका बर्ताव है दूसरों की तरफ, उसको अच्छा रखिए। ये तो बहुत स्ट्रांगली वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपको आगे लेकर जाने वाले हैं। और सबसे बड़ा मैसेज ये भी है कि इट्स नॉट वॉट यू नो, ठीक है, बट होम यू नो, क्या आप किसको जानते हैं। सो आई थिंक इट्स अ लॉट टू डू विद द नेटवर्क, क्या आपका नेटवर्क कैसा है, आपके लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं, रिलेशनशिप्स कैसी हैं, चाहे काम में चाहे पर्सनली। सो या, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, एंड ये बहुत इक्लेक्टिक है, ये बहुत मतलब चार्जिंग है कि मून सन एक साथ है, टेन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, यू नो, और टू ऑफ कप्स है यहाँ पर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स दो बार है, ये बहुत ही पावरफुल रीडिंग है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मूव अवे फ्रॉम द पास्ट, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, धीमी गति हो चाहे कैसे भी हो, फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड। ठीक है जेमिनाइज, सो दिस इज आई थिंक एन अमेजिंग रीडिंग फॉर यू पीपल। लेट्स सी व्हाट इज द एंजल्स सेइंग फॉर यू। आपका कोई सवाल है तो मेरे शफलिंग के दौरान आप पूछ सकते हैं, एक्सटेंडेड लेना चाहें तो मुझे आप मैसेज या कॉमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी अदरवाइज कलेक्टिवली क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के, लेट्स सी क्या आते हैं। इट्स अ यस, मैंने आपको पहले ही कहा, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो इच्छा पूर्ति आपको मिलेगी, वो आपके लिए सब कुछ आने वाला है आगे, प्रोवाइडेड आप उस चीज़ के लिए सिंक में रहें। ठीक है, लेट्स सी क्या टाइम होगा, कैसे होगा, वील फिगर दैट आउट। डिवाइन डायरेक्शन निकाल रही हूँ एक, अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हेल्प मी ग्रो, और लोगों के साथ शेयर भी करिए। सी इट हैज़ अ लॉट टू डू विद कि किस तरह से आप अबंडेंस को अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। ठीक है, बहुत जल्द कुछ अच्छा आने वाला है, आपके घर में हो सकता है कुछ चेंजेस हों, आसपास आपके चेंजेस हों, फोकस अपना बनाकर रखिए, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंंगी। डोंट फॉरगेट द सन इज़ हियर, वो ऊर्जा जो आपके भीतर है वही आपको आगे लेके जाने वाली है, वो आपकी कोर एनर्जी है। सिर्फ थोड़ा सा समझ से, सूझ से बढ़िए और देखिए आप क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। ओके जेमिनाइज, आई लव यू, टेक केयर ऑफ यू, एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम, अंटिल इटर्निटी, बाय।